Sunny. Halt mal an. Abadhen. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग हमें यहाँ तक छोड़ने के लिए आए अब आप लोग जा सकते हैं लेकिन भाई साहब वो पैलेस कहाँ है जिसका रास्ता हमने आपसे पूछा था पैलेस अरे वहाँ से तो तुमने हम दोनों को पिक किया था कमाल है यार तो आप लोग हमें यहाँ क्यों ले आए अरे मतलब रास्ता पूछा था तो बताना था ना आगे से लेफ्ट जाओ है? वहाँ से राइट जाके गोल चक्कर आएगा वही पैलेस है जाओ वाह अब ये हमें पता है तो फिर पूछ क्यों रहा है बे? अरे, अरे यार आप लोगों के चक्कर में बताइए हमारी शादी का मुहूर्त निकल गया बेटा अभी तो सिर्फ मुहूर्त निकला है जब वो तुम्हारा मुंह देखेंगे ना तो लड़की भी निकल जाएगी तो शादी वादी में कोई मजा नहीं है यहाँ पर बैठ के शो देखो है ना हाँ नमस्कार नमस्कार इनटू 11x इनटू 11x कपिल मैंने तेरे को कितनी बार समझाया था क्या कॉमेडी के बीच में गाना मत गाया कर मत गाया कर इतने सारे सिंगर इकट्ठा हो गए ना अब यहाँ पे कोई बात नहीं इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ सर अगली बार से इससे नहीं गवाएंगे हम लोग ठीक है मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर आप अरे क्या बात है ऐसा तेरे को कभी बोला किसी ने यहाँ पे छोड़ आप ये सेम चीज मुझे भी बोल दीजिए आपका बड़ा एहसान लोएगा एनीवे नमस्कार आकृति सुकृति प्रकृति जी नमस्ते एक मिनट नमस्ते क्या कहा तूने आकृति सुकृति प्रकृति जी नमस्ते अच्छा ये आज खुद याद करके आ गया तू है इन तीनों का नाम इतना टफ था लिया ही नहीं जा रहा था हम लोगों ने डिसाइड भी किया था निर्मल जी की बेटियां बोल के बात को खत्म कर देंगे सर ये हमारे मोहल्ले के नकली फनी और गर्म है ये हमारे मोहल्ले क्या क्या हम हर मोहल्ले में नकली हैं अरे सर हम तो इतने नकली हैं कि आप हमें धोकर सुखाओ ना हम लोग तो कलर भी छोड़ते हैं अरे बेटा क्या पापा एक बात बता इतने दिनों से हम कहाँ थे ये आप क्यों पूछ रहे हैं ये सवाल तो इनको पूछना चाहिए शर्मा जी को तो फिर पूछते क्यों नहीं कहाँ थे आप लोग आप कौन होते हैं पूछने वाले ये हमारा बाप बेटे का मामला है बाहर वालों को नहीं बीच में बोलना चाहिए अभी पूछ रहे हैं कहाँ थे खैर कैसी हैं अर्चना जी बहुत बढ़िया क्या बात है इतने आज प्यारे प्यारे गेस्ट यहाँ पर आए हैं प्लीज अपने घर पे फोन कीजिए और बढ़िया सा खाना बनाने के लिए बोल दीजिए वाओ पापा आज सब गेस्ट का खाना अर्चना जी के घर से आएगा नहीं बेटे आज बहुत सारे गेस्ट आए हैं ना इसलिए आज ये शूटिंग का खाना घर पे नहीं ले जा पाएंगे कहते हैं ये पहली आर्टिस्ट हैं जो एग्रीमेंट में पेमेंट के साथ डिनर भी लिखवाती हैं खैर हमारे गेस्ट आए हैं हम गेस्ट से बात करेंगे क्या बात है शंकर महादेवन जी के लिए जोरदार तालियां हैं वाकई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं सर मैं भी सर मैं आपको गले लगना चाहता हूं आई लव यू यार सर आई लव यू व्हाट एन आर्टिस्ट है व्हाट एन आर्टिस्ट थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच शंकर जी के बारे में मैं क्या कहूँ दोस्तों के दोस्त यारों के यार हैं अगर दोस्ती की मिसाल देनी हो तो लोग इनका एग्जाम्पल देते हैं अच्छा पता है कपिल हाँ। जी नहीं इनके घर पे दो दो टैलेंटेड बेटे हैं हाँ। लेकिन फिर भी देख आज अपने दोस्त एहसान और लॉय को यहाँ पर लाए हैं पापा यही इनके बेटे हैं कमाल के बाप हैं आप कमाल के बाप हैं पापा कमाल के नहीं इन दोनों के बाप हैं अभी तो बताया आवाज बंद कर इनके इतने अच्छे दोस्त हैं एहसान और लॉय फिर भी अपने बेटों को शो पर लाए हैं कमाल के फादर हैं सर आप बैठिए सर आप प्लीज बैठिए कैसे हो बेटा
हम ठीक है, आप कैसे हो? बढ़िया यार, क्या बात है। पता है, आपके बड़े वाले बेटे को देखकर मुझे अपने बड़े वाले बेटे की याद आ गई। याद क्यों आ गई बाबा? मैं हूं ना आपके साथ यहीं पे। अरे अगर तू मेरे साथ यहाँ पर है तो मैं तेरे को याद नहीं कर सकता क्या? नहीं, कहीं चला जाया कर। अब देखो मेरे साथ चिंता रहता है। पता है इसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। ये गलत है बाबा, ये बात झूठ है। शायद बाबा आपको पता नहीं है। क्या? मेरी गर्लफ्रेंड है मार्टिना हिंगेस। हाँ, रात रात को मैं उसी से बातें करता हूँ। क्या रात रात भर तू जागा रहता है? बाबा मेरी गर्लफ्रेंड है, आपको इस पे चौंकना चाहिए था। अबे अपने बाप को चौंकना मत सिखा। बाप को चौंकना सिखा रहा है, मैं जब चाहे कहीं भी चौंकूंगा तेरा। क्या लेना था? इसकी बातें सुनोगे ना गुस्सा आ जाएगा, बॉक्स मार दोगे। कल रात को एक लड़की से बात कर रहा था फोन पे, उसने कहा आजा मुझे मिलने के लिए, तो कहता नहीं आज मेरे पापा रात को मुझे जिन की कहानियां सुनाने वाले हैं। मेरी और मार्टिना की पर्सनल बातें आपको कैसे पता पापा? पापा कहीं आप भी मार्टिना से बातें तो नहीं करते? मैं मार्टिना से बातें नहीं कर सकता। क्यों पापा? क्योंकि मैं ही मार्टिना हूँ। मैंने नकली आईडी बनाई थी। मतलब मैं पिछले 6 महीने से आपको अपनी फोटो में भेज रहा था। इतना बड़ा धोखा मार्टिना पापा। सर, आपके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करना, मुझे गेस्ट से बात करने दे। क्या बात है, शान साहब के लिए जोरदार तालियां हो। बहुत बढ़िया, सच्ची में आज शान जी की आप सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। कौन सी बात पापा? आप सब लोग हमारे शो पर आए, ये हमारे लिए शान की बात है। क्या बहुत ही डिफरेंट बात बताई है आज आपने हमें, वेरी नाइस। मैं भी आप लोगों को एक बात बताऊं, शान जी ने तमन नाम की फिल्म में काम किया है, उसमें एक्टिंग की है। अरे बहुत बढ़िया गाना गाया था इन्होंने। हाँ, और बलविंदर सिंह फेमस हो गया, वो भी उसमें भी एक्टिंग की है। बहुत बढ़िया गाना गाया था। अब आप इनकी एक्टिंग की बात क्यों नहीं कर रहे? जब वो खुद अपनी एक्टिंग की बात नहीं कर रहे तो तू क्यों कर रहा है उनकी एक्टिंग की बात करके उनको कॉन्शियस मत किया कर। वो गाने के बादशाह है, बादशाह। अरे वाह रूमी भाई, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। अर्चना जी, हाँ जी, इस बंदे के बारे में क्या कहूँ आपको? कपिल ये सिंगर तो है ही, लेकिन बहुत ही सपोर्टिव इंसान है। अच्छा, मुझे इतने साल हो गए इंडस्ट्री में, मैंने आज तक नहीं कहा, आज आप लोगों को बताऊंगा मैं आज अगर यहाँ पे खड़ा हूँ तो सिर्फ रोमी की वजह से। वो कैसे पापा? वो नहीं आया होता ना तो मैं वहाँ पे बैठा होता। मुझे लगा था आप खड़े होकर सीट दे देंगे मुझे। एक चलते एक्टर को बिठाना चाहते हो? क्या बात है निकिता गांधी, निकिता के लिए एक बार जोरदार ताली। बहुत बढ़िया गाती हैं आप। पापा मैं काफी पसंद करता हूँ निकिता जी को। हो सके तो मेरी इनसे शादी करवा दीजिए ना। मार्टिना को क्या? देखा, किसी के बारे में ऐसा बुरा नहीं सोचते। मुझे एक बात बता, इससे पहले कभी तूने किसी लड़की से बात की है? बात की है बाबा, लेकिन वो आप ही निकले। बाबा मैं निकिता जी से शादी करके रहूंगा। बम फोड़ेगा क्या उनके घर पे? हम खानदानी लोग हैं। वो तो है। शादी की बात कभी भी लड़की से डायरेक्टली नहीं करते हैं। तो उसके घर वालों से करते हैं। अच्छा, ठीक है, चलिए एक सेकंड। तू मान ले मैं निकिता का पापा हूँ,
और तू हाथ मांगने के लिए मेरे पास आया है, ठीक है? आप बेटे, मैं आपका प्रॉप यूज कर सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, आइए। मैं बैठना चाहता हूँ। हेलो अंकल। अंकल, आई एम राहुल। मैं निकिता के साथ कॉलेज में पढ़ता हूँ। अच्छा, तो कल से कॉलेज जाना बंद। ऐसा मत कीजिए अंकल, मेरी वजह से उनका कॉलेज बंद मत करवाइए। का नहीं, तेरा कॉलेज जाना बंद। पर मेरा क्यों? क्योंकि वो वुमेन्स कॉलेज में पढ़ती है, तू गलत कॉलेज में जा रहा है। इस बात को छोड़ते हैं अंकल, मैं निकिता से बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। अच्छा, बता तू मेरी बेटी के लिए क्या क्या कर सकता है? ये 2.5 किलो का हाथ है अंकल, सिर्फ ये वाला नहीं, ये वाला भी, ये 2.5 किलो के हाथ है, लोहे को पिघला कर उसका आकार बदल सकता हूँ मैं। हमें तुमसे ग्रिल नहीं बनवानी है घर की। लड़की की शादी करनी है। ये बताओ तुम्हारे अंदर टैलेंट क्या है? टैलेंट, टैलेंट कोई तो टैलेंट था मुझ में। मेरे पापा हमेशा मुझसे कहते थे मेरे अंदर कमाल का टैलेंट है। कौन सा है? वो अगर मुझे याद दिलाते तो मुझे याद आ जाता। तुम सोचो, मैं एक मिनट में आता हूँ। ओके अंकल। सुन, वो 5वीं क्लास में तू डांस करता था ना, वो वाला डांस करके दिखा दे। अच्छा मैं चलता हूँ, उनके पापा आते ही होंगे। बेटे, एक मिनट में तो तुमने सोच लिया होगा। मैंने खुद सोचा। अच्छा, बताओ। मेरे अंदर एक कमाल का डांस का टैलेंट है, मैं आप सभी को मेरा डांस दिखाना चाहूंगा। आप लोग जरा म्यूजिक दे दीजिए। क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं यहाँ पर? अबे पालेगा कैसे लड़की को, खुश कैसे रखेगा लड़की को, ये बता। उसका आप टेंशन मत लीजिए अंकल। अंकल, मेरे बाबा के पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, सारी बेच दूंगा। मेरे पापा के पास बंगला है, वो भी बेच दूंगा। मेरे पापा के पास फार्म हाउस है, वो भी बेच दूंगा। लेकिन आप तो बॉक्स मार दूंगा तेरे को। ये सब बेच देगा तू? मैं सानेवाल से यहाँ खंडाला तक इतने सारे बंगले बनाए लड़की के लिए, बेच देगा तू? अंकल आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? मैं पापा की बात कर रहा हूँ। अरे अंकल गए तेल लगाने, मेरा सब सामान बिक रहा है यहाँ पे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।